और ये जो भैया ने हमारा यूट्यूब पे अकाउंट वगैरह दिया था, उन लोगों की बदौलत है, मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम की फैमिली की बदौलत है ये, जो हमने घर वगैरह बनाया है। और तो हमारे शुक्रिया तो उनको भी करना बहुत चाहिए। बहुत धन्यवाद सबका, सबने हमें, पूरे भारत से बहुत सपोर्ट आई, हमें बहुत सपोर्ट आई। और सीमा सचिन मीना का ये घर आशियाना है, सपनों का महल है, हर एक का होता है अपना घर। लेकिन आप सब भी आए, इस खुशी में शामिल हुए, और ये बड़ी खुशी की बात है। इतने इतने सजाया, लोग कल्पना नहीं करते थे कि ऐसी सनातन पद्धति, इसके रोम रोम में, सीमा के मन में रोम रोम में, खून के एक कतरे में सनातन पद्धति और सनातन धर्म भरा पड़ा है, और वो आज दिख रहा है आपको, और प्यार दिख रहा है। सीमा सचिन ने नया घर बना लिया है और इस खूबसूरत घर के अंदर की तस्वीरें बेहद ही शानदार हैं। और इस वक्त उनके घर के अंदर खुद सीमा मौजूद हैं, सचिन हैं और उनके मुंह बोले भाई एपी सिंह हैं, जिनकी मदद से, जिनके इतने आशीर्वाद से यहां पर सीमा ने बहुत शानदार घर बनाया। देखिए उन्हें जो जो गिफ्ट मिले, उन्होंने इस पूरे शोकेस में यहां पर उन गिफ्ट्स को रखा है। ये सारे गिफ्ट सीमा को समय समय पर मिलते रहे, सीमा और सचिन के एड्रेस पर ये सारे गिफ्ट्स आते रहे, और इसी वजह से इन गिफ्ट्स को उन्होंने इतना सजा के रखा है। पूरे घर में कई सारी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, और उनके बगल में यहां पर एपी सिंह साहब की मूर्ति है, फोटो लगाई गई है। उसके साथ ही यहां पर देखिए अलग अलग जितने भी यहां पर गिफ्ट्स उन्हें मिले थे, उन्होंने इन गिफ्ट्स को सजाया हुआ है। काना है, माता शेरावाली, उसके साथ ही बेहद शानदार खूबसूरत कमरा यहां पर सीमा ने बनाया है। और मैं देख रहा था सीमा जी, सुबह आप यहां पर लगे हुए थे कि कैसे इसे तैयार किया जाए, क्योंकि हमने चोरी चोरी चुपके चुपके जरूर देखा था। बिल्कुल, थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो रहती थी वो भी हमने आज कंप्लीट कर ली थी। बिल्कुल, थोड़ा बहुत काम रहता था वो हो गया, जल्दी जल्दी कर रहे भैया के आने से पहले हो जाए और रिबन काट लें, उद्घाटन हो जाए। ये घर भी लगभग बहुत तेजी से बनाया गया, क्योंकि 1.5 महीने पहले हम जब आए थे आपसे बातचीत करने, उस टाइम पे बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं था और अचानक से घर खड़ा हो गया। हमें कमरे की जरूरत थी, तो इसलिए वो हम दो कमरे थे, हमारे जिठानी का, हमारे सासू माँ जी का, तो हमें कमरे की जरूरत थी, तो इसलिए हमने अपने भैया से मशवरा करा, तो उन्होंने बना लो, तो इसलिए हमने ये कमरा बनवा लिया। ये बताइए हमारे दर्शकों को, ये डिजाइन कैसे, मतलब आपने जो जो डेकोरेटिव किया है, ये क्या दिमाग में कैसे आया? ये मैंने खुद करा है, मैंने और मेरे पति ने करा है। ये चीजें हमें गिफ्ट में आई थी राधा कृष्ण जी की, तो ये मैंने खुद, अब मैंने मेरे पति ने मिला के सेटिंग करी है। हाँ बिल्कुल। और ये कितने दिन में किया? ये सेटिंग तकरीबन 8 दिन हो गए सेटिंग करते करते, बाकी उस पहले कमरा रेडी हो गया था जी। अच्छा, देखिए एपी सिंह सर भी हैं यहाँ पर। सर आपको लगातार यहाँ पर आते हुए हम देख रहे हैं और इतने समय से आप मदद भी कर रही हैं, तो अब ये एक नया घर अपना आशियाना जो ये आज बड़ी खुशी का दिन है, आज तेहरी चौहरी खुशी का दिन है। एक तो नवरात्रा का दिन है, नवरात्रा देवी माता का तीसरा व्रत है चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, इस तरह से यहाँ आयोजन हो रहा है। और आप देख रहे हैं पूरा कमरा गृह प्रवेश हुआ है, गृह प्रवेश का अवसर है, तो गृह प्रवेश घर तो एक मंदिर होता है और बड़ी पूजा पद्धति का एक ढंग होता है, यहाँ मंदिर भी है। और सबसे बड़ी बात, जिस सनातन पद्धति, सनातन संस्कृति को लेकर के सीमा भारत आई है, वही सनातन पद्धति, वही सनातन संस्कृति, वही सनातन संस्कृति आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी है। हम यही विरोध करते थे कि सेम सेक्स मैरिज पाश्चात्य सभ्यता की प्रतीक है, हमारे यहाँ शादी है, विवाह है, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग विवाह को बड़ी मान्यता देते हैं, और सेम सेक्स मैरिज, तो उन्होंने कह दिया ये मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेज दिया गया, कमेटी बनाए और देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा डिसाइड करें, हम नहीं इसको छेड़ेंगे बिल्कुल। तो ये भी सनातन की जीत है, सनातन धर्म की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है, भारत माता की जीत है, और भारत के रीति नीति पद्धति की जीत है। और इसीलिए आज खुशी के अवसर पर यहाँ हम सब लोग आए हुए हैं, और सीमा सचिन मीना का ये घर आशियाना है, सपनों का महल है, हर एक का होता है अपना घर। लेकिन आप सब भी आए, इस खुशी में शामिल हुए, और ये बड़ी खुशी की बात है। इतने इतने सजाया, लोग कल्पना नहीं करते थे कि ऐसी सनातन पद्धति, इसके रोम रोम में, सीमा के मन में रोम रोम में, खून के एक कतरे में सनातन पद्धति और सनातन धर्म भरा पड़ा है, और वो आज दिख रहा है आपको, और प्यार दिख रहा है। सीमा, जब आप आए थे भारत में तब ये हालात नहीं थे, घर नहीं था, किराए के घर में सचिन ने आपको रखा था, वहां भी गए थे, लगा था सपना, अभी भी सपना सरीखा लग रहा है। बिल्कुल, और ये जो भैया ने हमारा यूट्यूब पे अकाउंट वगैरह दिया था, उन लोगों की बदौलत है, मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम की फैमिली की बदौलत है ये, जो हमने घर वगैरह बनाया है। और तो शुक्रिया तो उनको भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सबने हमें, पूरे भारत से बहुत सपोर्ट आई, हमें बहुत सपोर्ट आई। सचिन ने देखा, सचिन नई बाइक लेके भी बिल्कुल एक स्टाइल मारते हुए जा रहे थे, खुशी थी एक बहुत ज्यादा।
हाँ बहुत खुशी थी और बहुत खुश हैं आज हम। धन्यवाद सबका, जो धन्यवाद सबका कि सबने हमें मदद दी और हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो गई, थोड़ा घर भी बन गया। अब एपी सिंह सर भी लगातार आप लोगों के साथ हैं, सपोर्ट उनका भी मिल रहा है, एक मोरल सपोर्ट हो चाहे कैसे भी सपोर्ट हो, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम अब शुरू कर दिया जाए? काम भी शुरू करेंगे, अब तक कमरे का काम चल रहा था ना, तभी अपनी शॉप वगैरह खोलेंगे यही सोच रहे हैं, आगे देखते हैं। और हमारी इच्छा है कि हमारे भैया नए संसद में जाएं, नए संसद बने, तो ये भी मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है, वार्तिक साथ में प्रार्थना करते अपने भगवान जी से कि मेरे भैया नई संसद में जाएं, नई संसद बने, तो ये भी एक इच्छा है मेरी। मैंने देखा था भारत पाकिस्तान के मैच के दिन जब भारत जीता था बड़े अंतर से और ऐतिहासिक जीत हुई, तो आपका वीडियो भी आया था, बहुत खुश हुए हम, हमने पूरा मैच देखा था। पर एक मतलब जो पाकिस्तान आउट हो गए ना सर, जिस तरह हमारे खिलाड़ी ने आउट किया, आउट पे आउट, आउट पे आउट, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जिस तरह मतलब बुरी हार हारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जीत हुई, तो बहुत अच्छा लगा। रोहित शर्मा इज ग्रेट और विराट कोहली बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। ये जो आप लोगों की बॉन्डिंग है लगातार अच्छी होती जा रही है, और क्या जो पबजी गेम से बॉन्डिंग शुरू हुई थी वो अभी जारी है? नहीं नहीं, पबजी गेम हम नहीं खेलते, अब हमारी जिंदगी पबजी से लवजी में शुरू हो गई है, तो हम प्यार ही प्यार है और घर परिवार को संभाल रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। बच्चों को लेकर क्या प्लान है? चार बच्चे हैं तो पढ़ाई वगैरह कैसे? अभी ट्यूशन चल रहा है उनका, अच्छे से पढ़ा रही उनको ट्यूशन वगैरह, बाकी स्कूल भी जल्दी जाएंगे हमारे भाई की बदौलत, बिल्कुल। चलिए आपको नए घर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको, धन्यवाद और सबका धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद, देश के उन तमाम लोगों का धन्यवाद जिन्होंने सीमा सचिन मीना को तन से मन से धन से सब तरह से प्यार दिया और सम्मान दिया और आदर दिया, उन सबका सम्मान और सबका। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगेंद्र सिंह जी भी आए हैं और सभी संगठन आज लगातार संपर्क साथ रहे और साथ में हैं, उनका सबका बहुत शुक्रिया एपी सिंह साहब। और देखिए सीमा हैदर का जो घर है वो बहुत खूबसूरत है और उस घर को हमने आपको दिखाया था और घर के बाहर से भी आपको दिखा दें, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं घर के अंदर और बाहर की तरफ की देखने के लिए। जो डिजाइन है, क्योंकि इस जगह पर नॉर्मल जो घर है वही घर है, लेकिन उसको यहाँ पर अलग तरीके से बनाया गया है और पूरा घर खूबसूरत तरीके से बनाया गया था, रिबन लगाकर रिबन काटा गया था। और उसके अलावा जो यहाँ पर अब रहेंगे, ये कहा जा रहा सीमा के द्वारा कि वो उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जो उन्हें लगातार पसंद करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें लगातार गिफ्ट भेजते हैं, और इसी वजह से उसका ये नतीजा है कि सीमा हैदर ने अपना खुद का यहाँ पर घर बना लिया है, सचिन के साथ अब वो रह रही है, तो सीमा सचिन मीणा नाम से अब वो यहाँ पर रह रही है। और उनकी ये आशा है, उनकी ये तमन्ना है कि इस घर को इसी तरह से आगे और बढ़ाए और खूबसूरती से वो यहाँ पर इसे सजो कर रखें।